वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। जो भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हिंदू से मुसलमान बने इस शख्स ने अपनी आप बीती बताते हुए रो पड़ा। मुसलमान होने से पहले इस शख्स के साथ क्या क्या हुआ ये देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। आप इस वीडियो को भले ही लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में नज़र आने वाला ये शख्स पहले हिंदू हुआ करता था, लेकिन इस्लाम कबूल करते ही इसकी बीवी ने इसको तलाक दे दिया और जायदाद छोड़ना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, बीवी छोड़नी पड़ी। एक बेटा है जो मुसलमान होकर इस शख्स के साथ आया। एक दिन ये हिंदू शख्स गम में निढाल होकर अल्लाह से शिकवा शिकायत करते हुए सो जाता है। फजर से पहले आंखें खुलती है, इसकी आंखों के सामने एक रोशन चेहरा है। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और ये उस मुलाकात को बताते हुए हिंदू बाप रो पड़ा। और आगे क्या हुआ इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपके दिल पर असर करे तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ये वीडियो ज़रूर देखें। वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था, सब कुछ तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया, बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है मूसा। मूसा ये भी मुसलमान? जी जी जी। अहमद जरा बताना यार क्या हुआ? सर तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने तेरे रस्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें जहरीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद। फिर कहो या अहमद। ये फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी नुदा हजरत बिलाल पशान पशगो।